आग के बदले आग पूरे विश्व को अंधा बना देगी, महात्मा गांधी ने कहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के बारे में टिप्पणी की ना, तब से राजनीतिक सियासत में भूचाल आ गया है। जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है दोस्तों, वैसे ही राजनीतिक पारा भी बढ़ने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी पर क्या बताया, मैं आपको बताता हूं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गांधी फिल्म आने से पहले दुनिया में महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था, ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा। और मैं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं तब से वो कभी किसी का अपमान करते हैं, कभी किसी का अपमान नहीं। आप सोचिएगा जरूर साहब, और आप जानते भी होंगे कि 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सब आंदोलन किसने किया थे? मोदी जी आपके चाचा ने किया था। आप सोचिएगा और बताइएगा जरूर साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद में राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ एंटायर पॉलिटिकल साइंस के छात्र को ही महात्मा गांधी के बारे में जानने के लिए फिल्म देखने की जरूरत रही होगी। साथियों, मैंने आपसे कई बार बताया है कि महात्मा गांधी को बिना पढ़े आप पांचवी पास नहीं कर सकते हैं। महात्मा गांधी को बिना पढ़े आप डीएम नहीं बन सकते हैं, पुलिस नहीं बन सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पढ़े हैं। जब महात्मा गांधी पर फिल्म बनी, उसके बाद में महात्मा गांधी के बारे में जाने हैं। राहुल गांधी के बयान के बाद में बीबीसी श्रीनिवास ने बताया कि 4 जून के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई है, उसके बाद में एक इनके लिए भी फिल्म रिलीज होगी और आप लोग उसको भी देखिएगा साहब। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से साहब आप जो सुनेंगे ना, आपके भी रूह कांप जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक वीडियो पहुंचना साहब बहुत जरूरी है। अगर मोदी महात्मा गांधी के बारे में नहीं जानते हैं तो संविधान के बारे में तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होगा। ये बात तो साफ सही है। मैंने जैसे शुरू में ही बताया कि जो गांधी को नहीं पढ़ा होगा वो किसको पढ़ा होगा। और सही में केजरीवाल ने उनकी डिग्री मांगी थी, वाकई में अगर डिग्री होती तो केजरीवाल जी को दिखाते और वो महात्मा गांधी के बारे में जानते। महुआ में उत्तरा ने कहा कि अगर से पहले गांधी को कोई नहीं जानता था तो गुजरात दंगों से पहले मोदी को भी कोई नहीं जानता था। ये भी बहुत बड़ा बयान है साहब। रवीश कुमार ने भी कहा कि फिल्म के बाद गांधी को लोग जान गए, मगर मोदी की फिल्म के बात कोई विवेक ओबराय को नहीं जान पाया। साहब जानते ही हैं। और एक चीज आपको और बता दें, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि आरएसएस की शाखाओं में भले ही गांधी से नफरत की जाती हो लेकिन बाकी दुनिया में गांधी का सम्मान होता है। साहब आप इन सभी बयानों को देखें। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात और बोली कि मल्लिकार्जुन खड़गे के संविधान बचाओ अभियान से भाजपा का 400 पार का नारा फेल हो रहा है। साहब आप सोचिएगा जरूर, और आप भी महात्मा गांधी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। महात्मा गांधी एक अहिंसावादी व्यक्ति थे। महात्मा गांधी ने आजादी के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन आज के हमारे नेता हों या अभिनेता हों कैसी कैसी बात करते हैं। इन्हीं के पार्टी की एक अभिनेता है जिनका नाम है कंगना रनावत, उन्होंने कहा कि हमारा देश 2014 के बाद में आजाद हुआ। साहब आपको मालूम होगा कि गांधी जी कितना आंदोलन किया, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया साहब, गांधी जी ने बहुत मेहनत की, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत मेहनत की तो हमारे देश को जाकर आजादी आई। लेकिन आज हमारे देश का प्रधानमंत्री हो या हमारे देश के नेता विधायक हो, जो टुटपुंजिया बयान देते हैं, साक्षात बयान देते हैं, सबसे तुच्छ भाषा का प्रयोग करते हैं, इससे राजनीतिक में हलचल तो आती है साहब, लेकिन जो लोगों की गलत मानसिकता है ना, जैसा असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि आरएसएस की शाखाओं में भले ही गांधी को ना माना जाता हो बल्कि पूरे देश में गांधी की पूजा होती है। साहब गांधी के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नतमस्तक होते हैं। इससे पहले भी हमारे देश में अगर कोई बाहर का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आता है तो वो भी गांधी के सामने नतमस्तक होता है। और ये लोग कहते हैं कि गांधी को तब जाना गया जब गांधी पर फिल्म बनी। साहब जैसा आपको मालूम होगा कि रवीश कुमार ने बताया कि विवेक ओबराय को मोदी पर फिल्म आई लेकिन विवेक ओबराय को कोई नहीं जान पाया। और राहुल गांधी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान के बारे में क्या जानते होंगे। आप लोग इस सब सोचिएगा जरूर साहब, और आप लोग बातचीत जरूर लंबी होगी। गांधी पर टिप्पणी करने वाला जरूर गोडसे का पुजारी होगा। इनकी पार्टी के लोग, भाजपा पार्टी के लोग या आरएसएस की विचारधारा और संघ की विचारधारा जो आरएसएस की प्रयोगशाला में पढ़ाया जाता है, तभी ये गांधी पर अनाप शनाप बयान देते हैं। कभी गोडसे जिंदाबाद के नारे इन्हीं के नारे
इन्हीं के रैलियों में लगाया जाता है, इन्हीं के जो सांसद थे जिनका टिकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काट दिया, आपको याद होगा साध्वी प्रज्ञा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग अभी भी जाग जाइए, जो सुप्त चेतना में पड़े हुए मैं उन्हें जगाने आया हूँ, देशद्रोहियों को उनकी औकात बताने आया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गांधी पर ऐसा फर्जी बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता के नशे में, मैं कह रहा हूं कि सत्ता के नशे में ऐसे बयान दिए जाते हैं। और आपको साफ स्पष्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से भी अब लोग ऊब गए इनका, क्योंकि जब से इनका बयान आने लगा है ना, तो उबाऊ बयान देते हैं। उबाऊ बयान का मतलब समझ रहे हैं ना, अटल बिहारी वाजपेयी से पीएम मोदी की तुलना मत करो, जब लोग तुलना करने की अटल बिहारी से भी ज्यादा योग्य हो गए हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा, आपने तस्वीर में देखा होगा, जो मुजरा कहे तो जय जयकार, हम चमची कहें तो हाहाकार, अब बताइए कैसे कहें इन्हें पत्रकार, इरागनी नायक ने कहा है, साहब आपने तस्वीर में देखा होगा। राहुल गांधी जी से रूबका लियाकत को चमची का शब्द के, तो चमची वाले बयान पर रूबका लियाकत को लग गया बुरा, बोली राहुल गांधी मेरा नाम रूबका लियाकत है। साहब ये भी जानना बहुत जरूरी है, लेकिन जो पत्रकार 5 साल पहले मोदी जी से वही सवाल पूछा था कि मोदी जी आप टॉनिक कौन सा पीते हैं, फिर 5 साल बाद वही सवाल आता है कि मोदी जी अब 5 साल बीत गए जो मैंने सवाल आपसे पूछा था, फिर उसी सवाल पर। लेकिन साहब वही है ना कि पत्रकार भी आपका है, सब कुछ आपका है, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। संजय सिंह ने कहा कि मोदी की अगली रैली में कान रुई लगाकर जाइएगा, मतलब कान में रुई लगाकर जाइएगा, अब माँ से सिर्फ माँ बहन की गालियां बची हैं। साहब संजय सिंह का ये बयान आपने तस्वीर में देखा होगा। रवीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मंगलसूत्र से मुजरा पर आ गए तब भी लोग वोट डालने नहीं निकल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि माँ से मोदी मंगलसूत्र, माँ से मछली, माँ से मुजरा याद आ रहा है, माँ से मर्यादा याद नहीं आती, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान है साहब। और मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री की भाषा की गरिमा और भाजपा की सीट, ये दोनों लगातार गिर रही हैं। साहब इन सब बातचीत पर आप लोग सोचिएगा जरूर कि वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बयान है, जो कहते हैं, जो बोलते हैं, क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों की मर्यादा गिर रही है? आप लोग सोचिएगा जरूर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बयान क्यों दे रहे हैं, ऐसे बयान इनके लगातार क्यों आते हैं? अमित शाह ने कहा जब समाजवादी पार्टी यूपी की सत्ता में थी तो रमजान में लगातार बिजली रहती थी, लेकिन जन्माष्टमी पर नहीं रहती थी। ये बयान अमित शाह का है। इस पर पप्पू यादव ने कहा कि मोटा भाई यूपी में अब तो न रमजान नवरात्रि न ईद न दिवाली में बिजली रहती है, जब से डबल इंजन की सरकार है सिर्फ चुनाव में वोटिंग के दिन तक बिजली रहती है, उसके बाद में 30 फरवरी के बाद गायब हो जाती है। साहब चुनाव के समय पर ही बिजलियां रहती है, ऐसा पप्पू यादव ने उनको ट्वीट कर जवाब दिया। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया साथियों जरूर दें, और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से क्या सोचते हैं, और जितने नेताओं ने महात्मा गांधी पर जो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया की, उन सब विचारों पर आप क्या सोचते हैं, और आप महात्मा गांधी को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया साहब जरूर दें। शुक्रिया, धन्यवाद।